रितेश तिवारी की फिल्म रामायण में लंकापति रावण का रोल करेंगे साउथ सुपरस्टार यश। खबर है कि इस फिल्म में यश असली सोने के बने कपड़े पहनेंगे। 24 मई को मनोज वाजपेयी के करियर की 100वीं फिल्म भैया जी सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। खबर है कि इस फिल्म में मनोज वाजपेयी ने जमकर बवाल काटा है। ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या कहर ढाया है एक्टर मनोज वाजपेयी ने। 20 मई को मुंबई में इलेक्शन हुआ जिसमें लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री वोट डालने पहुंची। बॉलीवुड हसीनाएं भी सज धज कर वोट डालने पहुंची। अक्षय कुमार और राजकुमार राव सबसे पहले मतदान करने वालों में रहे शामिल। वहीं जानवी कपूर से लेकर विद्या बालन और कई अलग अलग एक्टर्स ने वोटिंग की। कई सितारे ऐसे भी रहे जिन्होंने मतदान नहीं किया। दरअसल जिन सितारों की यहाँ हम बात कर रहे हैं उनकी नागरिकता भारत की नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की है और ये सितारे सालों से मुंबई में रह रहे हैं लेकिन विदेशी नागरिकता की वजह से ये सितारे वोट नहीं डाल सके। 2002 में सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या विवेक ओबरॉय के काफी करीब आ गईं जिसके बाद सलमान विवेक का झगड़ा सुर्खियों में रहा। वहीं इस झगड़े पर रिएक्ट करते हुए सलमान के पिता सलीम खान ने कहा था ऐश्वर्या का को कोई और ले गया और ये दोनों वहीं के वहीं रह गए। दुबई के इवेंट में भांजी अलीजे से पूछा गया कि मामा सलमान खान पर कौन से टॉपिक पर आप किताब लिखना पसंद करोगे। अलीजे से पहले मामा सलमान बोले वो अपनी भांजी को कभी भी उन पर किताब लिखने नहीं देंगे। वेब सीरीज अनदेखी 3 के एक्टर वरुण भगत की एक्टिंग के साथ साथ बॉक्सिंग में है रुचि। बोले मुझे स्पोर्ट्स से प्यार है पर एक्टिंग मेरा पैशन है। 23 मई को ओटीटी पर कार्दशियन सिस्टर्स पर बना शो द कार्दशियन का 5वां सीजन शुरू होने जा रहा है। इस सीरीज में कार्दशियन सिस्टर्स की बिलियन डॉलर लाइफ की असली कहानी दर्शकों को देखने को मिलेगी। संजय लीला भंसाली अपनी अगली फिल्म लव एंड वॉर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में होंगे। स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में कृष्णा श्रॉफ की एक कंटेस्टेंट हैं। टाइगर श्रॉफ की बहन और जैकी की बेटी होने के नाते वो किसी फिल्म से भी डेब्यू कर सकती थी लेकिन उन्होंने डेब्यू के लिए KKK 14 को चुना।